How are you all? I'm sure you will be fine. Today we are taking first lesson of your textbook Flamingo. The name of the lesson is The Last Lesson by Alphonse Daudet. If we talk about the writer Alphonse Daudet, he was a French novelist and story writer. He's known for his best novels and stories. If we talk about the name of the lesson, The Last Lesson, it has a very inspiring story in itself and has two themes in itself. First one is, what is the importance of our language in our life? And number two, if the culture changes, what it affects on the ordinary life? So there are two themes of the story, last lesson. If we talk about the background of the story, we'll find that the story of the last lesson is set in the days of Franco-Prussia War, 1870. यानी 1870 में जो फ्रांस और प्रशिया का वॉर हुआ था उन दिनों की स्टोरी है. एक्चुअली जो प्रशिया है वो थ्री नेशन से मिलकर के बना था, जिसमें जर्मनी एंड पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया. तो प्रशिया ने मिलकर के, सारे नेशन ने मिलकर के फ्रांस पर अटैक किया था और उस अटैक में फ्रांस के टू डिस्ट्रिक्ट अलसास और लोरेन को कैप्चर कर लिया गया था. और जो जर्मनी का कैपिटल था बर्लिन, वहाँ से एक ऑर्डर आया था कि फ्रांस के जिन डिस्ट्रिक्ट्स पर कैप्चर किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स यानी अलसास एंड लोरेन, जिन पर कैप्चर किया गया है, अब उनमें फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा. यानी कल से ही वहाँ पर एक न्यू टीचर आएंगे, जर्मन टीचर, जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने वाले, और वो कल से जर्मन लैंग्वेज वहाँ पर पढ़ाएंगे. तो जो इन स्कूल्स में जो टीचर्स वर्क कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज को, तो उनको भी ये ऑर्डर मिल गया था कि आज आप मूव करेंगे यहाँ से और कल न्यू जर्मन टीचर यहाँ पर आएंगे. तो ये था स्टोरी का एक बैकग्राउंड कि कहाँ से इसको पिक किया गया है. अब देखते हैं कि जब कल्चर चेंज होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है एजुकेशन सिस्टम पे, वो इस लेसन में दिखाया गया है. स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. देयर आर टू लीडिंग कैरेक्टर इन द स्टोरी. फर्स्ट वन इज फ्रेंच, अ स्टूडेंट, एंड सेकेंड वन हिज टीचर मिस्टर हैमल. एंड देर आर सम माइनर कैरेक्टर इन द स्टोरी एज मिस्टर हैमल सिस्टर एंड सम विलेजर्स, ओल्ड विलेजर्स एसेट्रा. सो लेट स्टार्ट द स्टोरी. स्टोरी का ओपन होता है, फ्रेंच स्कूल के लिए रेडी होता है, उसे स्कूल जाना है, बट वो स्कूल जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, वो नहीं जाना चाहता है स्कूल में. उसके दो रीज़न है. जब वो सुबह उठता है और स्कूल के लिए निकलता है तो जो डे है बड़ा हॉट है, ग्रेसफुल है, और जो बर्ड्स है वो चिरपिंग कर रहे हैं, यानी बर्ड्स सिंगिंग कर रहे हैं, और डे बड़ा हॉट और ग्रेसफुल है, और जो प्रशिया के सोल्जर हैं वो पास ही खेतों में अपना ड्रिलिंग कर रहे हैं, यानी अभ्यास कर रहे थे. तो इन सबको छोड़ करके स्कूल जाना फ्रेंच के लिए कुछ जम नहीं रहा था. दूसरा रीज़न स्कूल न जाने का ये भी था, मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को होमवर्क में पार्टिसिपल दिया कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को लर्न करके आएंगे, और टुमारो आई विल क्वेश्चन ऑन देम, कि मैं उन पर क्वेश्चन करूंगा आपसे, आपसे पूछूंगा पार्टिसिपल के बारे में. और फ्रेंच को पार्टिसिपल का बिल्कुल ABCD भी नहीं आता, यानी उसको अर्ली नॉलेज भी नहीं आता, तो वो नहीं जाना चाहता है स्कूल. बट अपनी सब इन इंटेंशंस को अपने हार्ट्स में वो दबा लेता और स्कूल के लिए चला जाता है. जैसे ही वो टाउन हॉल के पास पहुंचता है, टाउन हॉल एक सभागार है, और उसी के पास एक बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट लगा हुआ है. एक्चुअली ये सूचना पट इसलिए है कि जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 1870 में जो फ्रांस और प्रशिया का वार हुआ था, तो उसकी सारी रिपोर्ट्स, सूचनाएँ उस बुलेटिन बोर्ड से ही फ्रांस के रेसिडेंट्स को मिलती थी. तो अभी 2 ईयर्स में जितनी भी बैड न्यूज़ थी फ्रेंच के रेसिडेंट्स के लिए, तो वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी. तो फ्रेंच उस बुलेटिन बोर्ड के पास कुछ भीड़ जमा था. फ्रेंच चाहता था कि मुझे पता लगाना है कि इस बुलेटिन बोर्ड पे अब क्या न्यूज़ है, तो सोचता है कि कोई बैड ही न्यूज़ होगी, और चूँकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है तो स्कूल के लिए चल देता है. फ्रेंच जब स्कूल में पहुँचता है फ्रेंच, तो स्कूल में आज सब कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है. चारों तरफ बड़ी शांति है, स्कूल के से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता था कि जब भी
फ्रेंच स्कूल जाता था तो चेयर्स डेस्क और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास में होते थे वो अपने लेसन को रिसाइट करते थे, तो उसकी इन सब की जो आवाज़ें हैं बाहर स्ट्रीट तक आती थी। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फ्रेंच थोड़ा सोचने लगा कि क्या मैटर है, आज कहीं संडे तो नहीं है? बट संडे नहीं था, क्योंकि यूजुअली संडे में ऐसा होता था कि जब स्कूल ऑफ होता था तो कोई नोइस ही नहीं होती थी, लेकिन आज संडे भी नहीं था तो फ्रेंच को थोड़ा अजीब लग रहा है। फ्रेंच को जब थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा तो वो क्लासरूम के विंडो से क्लास के इनसाइड का सीन देखना चाहता है और देखता है। क्या देखता है कि ऑलरेडी सभी स्टूडेंट अपनी सीट पे हैं। मिस्टर हैमल जो टीचर है एक आयरन रूल, एक मोटा सा रूल अपने इधर दबाए हुए अप एंड डाउन कर रहे हैं। फ्रेंच सोचता है कि अब तो तू गया, आज डांट पड़नी ही पड़नी है। यूजुअली ऐसा होता था कि जो फ्रेंच कभी भी लेट होता था तो वो इसी शोरगुल में, जैसे चेयर का, डेस्क का, स्टूडेंट का को जो लेसन रिसाइट करते थे वो क्लास में बैठ करके क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो उसके शोर में बैकडोर से एंट्री कर लेता था और मिस्टर हैमल की डांट से बच जाता था कि आज फिर से लेट हो गए। तो आज फ्रेंच के पास ऐसा कोई चांस नहीं था। तो फ्रेंच ने अपनी क्लास का जो फ्रंट डोर खोलता है और क्लास में एंटर करता है। मिस्टर हैमल आज उसे बिल्कुल नहीं डांटते और बोलते हैं कि फ्रेंच जल्दी से आओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही लेसन को शुरू करने वाले थे, तुम आ गए, अच्छा है, तो आइए बैठिए और हम लेसन को शुरू करते हैं। अभी फ्रेंच ने बुलेटिन बोर्ड पे क्राउड देखा, आज स्कूल का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज और क्लास का एटमॉस्फेयर भी चेंज था। क्लास में क्या था कि जो नॉर्मली जो फ्रेंच की क्लास में जो बैक बेंचेस हुआ करती थी वो बैक एंड रहा करती थी, पीछे की जो बेंचेस थी, लेकिन आज फ्रेंच ने जब देखा तो उन बेंच पर गांव के बड़े बूढ़े लोग वहां पर बैठे हुए। फ्रेंच को बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये क्यों बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके मैटर की आज मैटर क्या है। तभी मिस्टर हैमल अपनी चेयर से स्टैंड अप हो जाते हैं और बोलते हैं, डियर स्टूडेंट्स टुडे इट्स माय लास्ट लेसन, कि स्टूडेंट्स आज ये मेरा लास्ट लेसन है, क्योंकि कल से इस स्कूल में जर्मन टीचर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए आएंगे और ऐसा ऑर्डर बर्लिन से अब आ गया है, तो ये मेरा लास्ट लेसन है, आप कंसंट्रेटली यहाँ पर बैठिए और मेरी बात को सुनिए। जब ये मिस्टर हैमल की बात को सुनता है फ्रेंच, तो एक सपोज करिए कि एक थंडर क्लैप, एक शॉक उसे लग जाता है कि ये क्या हुआ कि हमारे टीचर आज जा रहे हैं, 40 ईयर्स उन्होंने सर्विस की थी स्कूल में और आज उनके जाने का दिन है, और अभी तो मैंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज का ABCD भी नहीं सीखा है और आज वो जा रहे हैं। बिल्कुल शॉक लगा। अब उसे रिपेंट हो रहा था फ्रेंच को कि जो वो डेली मिसचीव्स किया करता था और अपनी स्टडी पर फोकस नहीं करता था, इंटरेस्ट उसमें नहीं लेता था, तो आज उसे ये रिपेंट हो रहा है कि मैंने अपना समय जो है ऐसे ही वेस्ट कर दिया और मैंने अपनी लैंग्वेज में कुछ नहीं सीखा। जब भी वो स्कूल आता था एक बड़ा सा बैग उसके शोल्डर पर होता था और उसको वो बर्डन समझता था, सारी जो बुक्स थी उस बैग सबको बर्डन समझता था, लेकिन जिन बुक्स को जिस बैग्स को वो आज बर्डन समझता था तो आज वो बर्डन नहीं समझ रहा है। आज उसे लग रहा है कि मैंने बहुत रॉन्ग किया है, गलत किया है, और ये बुक्स मेरी फ्रेंड हैं और मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा। तो ये सब फ्रेंड्स के माइंड में चल रहा है और उसे सारा मैटर अब समझ में आ जाता है कि क्यों बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ लगी हुई थी, क्राउड क्यों था, क्योंकि यही न्यूज़ होगा कि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा स्कूल में, और दूसरा स्कूल में इतना साइलेंस क्यों था, क्योंकि मिस्टर हैमल का ये लास्ट लेसन था जो वो आज पढ़ाने वाले थे, इसलिए सभी साइलेंट थे। और थर्ड वन कि गांव की जो ब्लेजर्स, जो कुछ गांव वाले थे जो बूढ़े थे, वो क्यों आए थे, वो इसीलिए आए थे कि मिस्टर हैमल को वो एक सम्मान दे सके, क्योंकि उन्हें 40 ईयर्स का फेथफुल सर्विस उस स्कूल में किया, तो उनको सम्मान दे सके और अपनी लैंग्वेज जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको भी वो सम्मान दे सके, ट्राइब्यूट कर सके। तो इसलिए जो ब्लेज के ओल्ड पर्सन थे वो भी अपनी बुक्स को लेकर के आज पढ़ने के लिए आए थे। तभी मिस्टर हैमल ग्रामर का एक लेसन शुरू कर देते हैं, लेकिन इस ग्रामर के लेसन को शुरू करने से पहले मिस्टर हैमल प्रोनाउंस करते हैं फ्रेंच का नेम, बुलाते हैं कि फ्रेंच स्टैंड अप
एंड टेल मी समथिंग अबाउट पार्टिसिपल, कि मुझे पार्टिसिपल के बारे में कुछ बताइए। लेकिन फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में कुछ आता नहीं, वो पहले सेंटेंस पे ही स्टॉप हो जाता है, यानी स्टॉप हो जाता है, बोल नहीं पाता है और अपने हेड को डाउन कर लेता है, सोचा आज की डांट पड़ेगी। लेकिन मिस्टर हैमल फ्रेंच को बिल्कुल नहीं डांटते हैं और वो बोलते हैं कि फ्रेंच इसमें मिस्टेक तुम्हारी नहीं है, तुम आज अपनी फ्रेंच लैंग्वेज का ABCD भी नहीं जानते हो और इसका दोषी केवल तुम अकेले नहीं हो बल्कि मैं और आपके पेरेंट्स और तुम भी हो। अब वो बताते हैं कि कैसे हम सब दोषी हैं फ्रेंच के लिए। तो बोलते हैं कि फ्रेंच, फर्स्ट थिंग तो ये है कि तुमने कभी अपनी लैंग्वेज को सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, स्टडी को आपने मतलब एक तरह से वेस्ट समझा है और कभी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं फ्रेंच के, तो वो चाहते हैं कि जो फ्रेंच है वो किसी मिल में काम करे, फार्म में काम करे, ताकि इनकम का सोर्स बढ़ जाए। और मिस्टर हैमल अपने आप को ब्लेम क्यों करते हैं इसके लिए, वो कहते हैं कि जब भी मैं फिशिंग के लिए जाता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दिया करता था कि आज जाइए, कोई क्लास नहीं होगी और आज मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ। या फिर जब भी मैं कभी तुमसे बोलता था कि जाइए गार्डन में जाइए और मेरे जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनको पानी दे दीजिए, आज पढ़ाई नहीं होगी, आज आपको पानी देने का काम। तो इस तरह से मैं भी इसके लिए दोषी हूँ कि मैंने भी तुम्हें अपने काम में लगाया और विदाउट एनी रीज़न आपको छुट्टी दी। तो मिस्टर हैमल ये कहते हुए थोड़े भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी सबसे सुंदर है, स्पष्ट है और तर्कसंगत लैंग्वेज है। इसको कभी तुम अपने आप से अलग मत करना, क्योंकि लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस इतना होता है कि जब कभी हम किसी देश के गुलाम होते हैं, मिस्टर हैमल कहते हैं कि जब भी हम किसी देश के गुलाम होते हैं और हम अपनी भाषा को अपने पास अपने हृदय में संजो करके रखते हैं, तो वो लैंग्वेज उसी तरह से होती है जैसे कोई पर्सन किसी जेल में बंद हो और उसके बाहर लॉक लगा हो, तो लॉक की जो चाबी होती है वही काम जो है हमारी लैंग्वेज करती है। तो हमारी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसको हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस भावुकता से थोड़ा बाहर निकलते हुए मिस्टर हैमल स्टैंड अप हो जाते हैं और अपने ग्रामर का एक लेसन शुरू करते हैं। ग्रामर में फ्रेंच को अब रिपेंट तो हो रहा है कि उसने अपने टाइम को वेस्ट किया, लेकिन मिस्टर हैमल जब टीचिंग को शुरू करते हैं तो वो एक अलग ही रिदम में है आज, वो मतलब पूरी डिवोशन से, डेडिकेशन से आज क्लास को टीच कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो जो भी कुछ उनके माइंड में है वो सब कुछ अपने स्टूडेंट को देना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंच को भी ऐसे लग रहा है कि आज ज़्यादा ही कुछ अलग ढंग से रिदम में होकर के मिस्टर हैमल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसने अभी तक अपनी स्टडी पे कभी कंसंट्रेट किया ही नहीं था, क्लास में केवल मिसचीफ वो करता था, ध्यान से सुनता नहीं था। लेकिन आज उसको रिपेंट हो रहा था क्योंकि मिस्टर हैमल जा रहे थे तो मिस्टर हैमल की बात को अच्छे से सुनता है, वो बात को समझता है, तो समझता है कि सोचता है कि आज मिस्टर हैमल कुछ अलग ही रिदम में है। इसके बाद जो है मिस्टर हैमल हैं वो स्टार्ट करते हैं राइटिंग वर्क। आज मिस्टर हैमल राइटिंग के लिए कुछ नोटबुक्स अपने साथ ही लेकर के आए हैं और सभी को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उन नोटबुक्स पर स्पेशली ये लिखा हुआ है कि अल्सास फ्रांस, यानी अल्सास नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और फ्रांस नेम ऑफ द कंट्री, और जो रेड कलर में फ्लैग्स की तरह लग रहे हैं सभी को मिस्टर हैमल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कुछ आर्ट वर्क उनको देते हैं स्क्रैच करने के लिए। रूम में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, यानी बिल्कुल शांति है, कोई भी इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ जो आवाज़ है वो है जो पेन पेपर पर चल रहा है, स्क्रैचिंग कर रहा है, केवल उसी की आवाज़ है और कोई आवाज़ रूम में नहीं है, सभी स्क्रैच कर रहे होते हैं। तभी जो फ्रेंच है वो रूफ की तरफ, छत की तरफ देखता है, वहाँ पर टू पिजन्स हैं जो आपस में गुटरगू कर रहे हैं, यानी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कू इस तरह की कुछ आवाज़ें वो कर रहे हैं। फ्रेंच को लगता है कि आज हमसे हमारी लैंग्वेज छीनी जा रही है, कल हम पर जर्मन को थोप दिया जाएगा, तो क्या ये जो ऑर्डर आया है जर्मनी हम पर थोपी जा रही है, तो क्या वो लोग जो पक्षी हैं, जो पिजन ऊपर बैठे हुए हैं, क्या उनसे भी वो
जर्मन में सिंगिंग करा सकते हैं? कैन दे मेक देम सिंग इन जर्मन? क्या वो इन पक्षियों से भी जर्मन लैंग्वेज को बुलवा सकते हैं? तो ये सेंटेंस इसलिए कि फ्रीडम सॉरी वर्ड इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वर्ड्स पर कोई किसी का रोल नहीं चलता है कि वो फ्री है, उनसे कोई फोर्स करके ये नहीं कह सकता है कि आप इस लैंग्वेज को बोलिए, या उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है जो फ्रीडम को शो करती है। और मिस्टर जो फ्रेंच का जो इंडिकेशन है कि वो यही है कि ह्यूमन बीइंग पर ही न्यू ऑर्डर्स उनकी इच्छाओं के खिलाफ थोपी जाते हैं, जैसे कल हम पर जर्मन भाषा को थोप दिया जाएगा इस तरह से। फ्रेंच और सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ओल्ड जो ब्लेस के ओल्डर पर्सन हैं, वो भी सब अपने काम में लगे हैं। फ्रेंच जब मिस्टर हैमल को देखता है तो मिस्टर हैमल थोड़े से सीरियस है, नर्वस है, दुखी है, और क्लास को ऐसे देख रहे हैं। सपोज करिए कि इस क्लास की एक एक चीज को वो अपने हार्ट में संजो करके ले जाना चाहते हैं, अपने हार्ट में वो बसा लेना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंच भी सोचता है कि मिस्टर हैमल ने 40 ईयर्स की जो फेथफुल सर्विस यहाँ पे की है, और इन 40 ईयर्स में कुछ भी उनके लिए नहीं बदला है, उनकी क्लास, उसके सामने उनका गार्डन एंड चेयर्स, डेस्क, स्टूडेंट सब सेम ही है, चेयर्स हैं, डेस्क हैं, सिर्फ बदला क्या है उनकी क्लास में जो चेयर है और डेस्क हैं, जो डेस्क वो घिस गई हैं, चेयर घिस गई हैं स्टूडेंट के बैठने से, बाकी और कुछ नहीं बदला है। कि गार्डन में बस कुछ ट्रीज हैं जो अब बड़े हो गए हैं पहले से, और एक होप वाइन की जो बेल है अब वो उनकी छत तक पहुंच गई है, जिसको मिस्टर हैमल ने खुद लगाया था। बाकी कुछ नहीं बदला है मिस्टर हैमल की लाइफ में, 40 ईयर्स उन्होंने निरंतर अपने कार्य को, अपनी टीचिंग को बहुत अच्छे ढंग से डिलीवर किया है। ये सब फ्रेंड सोच रहा होता है। तभी जो लेसन स्टार्ट होता है वो हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट हो जाता है। हिस्ट्री में जो ब्लेज पीपल आए हुए थे क्लास में, वो अपनी लेसन को रिसाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और वो इस लैंग्वेज में थोड़ा अजीब तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि वो ओल्ड पर्सन है, स्टूडेंट की तरह वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो फ्रेंच हंसना चाहता है, उसको हंसी आ रही है, लेकिन क्लास का एटमोसफियर इतना फुल ऑफ साइलेंस है कि वो हंस नहीं पाता है। और तभी रूप पर मिस्टर हैमिल की जो सिस्टर हैं वो कुछ वहाँ से कुछ ट्रंक संदूकों की कुछ बैग्स के इधर उधर होने की आवाज़ आती है। तो मिस्टर हैमिल की जो सिस्टर है वो पैकिंग कर रही है, क्योंकि उनको और मिस्टर हैमिल को आज ही यहाँ से जाना है। मिस्टर हैमिल जब ये आवाज़ को सुनते हैं तो और ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। तभी जो प्रशिया के सोल्जर जो ड्रिलिंग कर रहे थे मॉर्निंग टाइम में, तो अब वो अपने अभ्यास से वापस आ रहे होते हैं और ट्रम्पेट साउंड करते हुए वापस आते हैं, जो आवाज़ विंडो से, क्लास की विंडो से आ रही है। तभी क्या होता है कि जो चर्च की जो बेल है वो बजती है, और वो 12 बजाती है, यानी चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, और इसका मीनिंग ये होता है कि अब क्लास ऑफ होने वाली है। उधर उन्होंने रूप से अपने सिस्टर को पैकिंग करते हुए सुना, उधर सोल्जर्स की ड्रिलिंग जो ट्रम्पेट साउंड थी उसको सुना, और उधर चर्च ने 12 बजाए, तो मिस्टर हैमल को लगा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है। मिस्टर हैमल अपनी चेयर पर खड़े हो जाते हैं और स्टूडेंट से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आज उनकी सर्विस का लास्ट डे है, और वो कैसे इन सबको छोड़ पाएंगे। ये सब सोचते हुए खड़े होते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, इमोशनल ज़्यादा हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बस बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं वाइव लव फ्रांस, फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते हैं वाइव लव फ्रांस, और इसका मीनिंग होता है इंग्लिश लैंग्वेज में लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस तुम जीते रहो, तुम्हारी जो उम्र हो लंबी हो, तुम हमेशा अमर रहो। तो ये सब लिख करके अपने स्टूडेंट से मिस्टर हैमल जाने का इशारा करते हैं, और क्लास ऑफ हो जाती है, और हमारा लेसन जो लास्ट लेसन है वो यहीं पर फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा लेसन हिंदी की स्टोरी से। जो पीडीएफ भेजा गया है उसको भी आप अच्छे से रीड कर लें, और ये लेसन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।